In this video, I'm going to discuss the most frequently asked question by the aspirants of any competitive exam. Assalamu alaikum, this is Fatma Badul. There is no denying the fact that CSS is the most prestigious exam in Pakistan. This exam is being conducted by FPSC. CSS exam के लिए आपकी जो recruitment होती है वो federal government के लिए होती है, लेकिन आप provincial government के लिए भी apply कर सकते हैं, जिसके लिए हर province का अपना commission मौजूद है. So आप CSS की तैयारी कर सकते हैं, PMS की कर सकते हैं, PCS की तैयारी कर सकते हैं. So students ये ख्वाब देखते हैं कि वो किसी कंपेटिटिव एग्जाम को पास करके एक रिस्पेक्टेबल जॉब जो है उसको हासिल कर लेंगे. अब स्टूडेंट्स का सवाल ये बनता है कि हम CSS की, PMS की या PCS की तैयारी कैसे करें. बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो. अब जब हम बिगिनर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि बिगिनर टर्म जो है ये रिलेटिव है. सो बिगिनर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट लेवल पर होगा और दूसरा जो बिगिनर है वो किसी और लेवल पर होगा. इसका ताल्लुक आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ भी है एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली बैकग्राउंड के साथ भी है. अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके लिए तैयारी करना आसान होगा. अगर आप अपने घर में से पहले ऐसे फर्द हैं जिसने तालीम हासिल की है, आला जिसने तालीम हासिल की है और वो ग्रेजुएशन तक पहुंचा है, तो फिर आपके रास्ते की मुश्किलात ज्यादा होंगी और आपका एज ए बिगिनर जो सफर होगा वो तवील होगा. माई स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम इज स्टार्टिंग विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. मैं आपसे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स क्यों कह रही हूँ, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने बीए में, बीएस में, इवन इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, जैसे कि इंग्लिश, इस्लामियात. हमने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा है तो वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स की शक्ल में मिल जाता है. इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का फायदा ये है कि इनकी ग्राउंड आपकी पहले ही बनी हुई है और जब आप इसको कंपेटिटिव एग्जाम के लेवल पे तैयार करेंगे तो आपको जल्दी ये सब्जेक्ट समझ आएंगे. अब स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो जैसे तैयारी शुरू करते हैं वो कहते हैं ऑप्शनल हम सेलेक्ट कर लें. अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक आपके कंपल्सरी स्ट्रांग नहीं होंगे आपकी ऑप्शनल की जो चॉइस है वो अफेक्ट होगी. ऑप्शनल के लिए एक अच्छा तरीका तो ये है कि आपने जिस सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ है और जिन सब्जेक्ट्स का आपको आइडिया है आप वो सिलेक्ट करें. बट देन वी ऑल्सो हैव दिस स्कोरिंग ट्रेंड कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं, जो कि इवेंचुअली अफेक्ट करता है हमारी चॉइस जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की होती है. लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं, पहली बात तो ये कि आप CSS का इम्तहान दें या PMS का इम्तहान दें, आपके कंपल्सरी जो है वो ओवरलैप होंगे. सो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं, इनका आपको पहले से आइडिया है, इनकी तैयारी करना आसान है, आपकी फाउंडेशन बनी हुई है उस पर इमारत खड़ी करना आसान हो जाता है. हैविंग सेड दैट, इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई टीच इंग्लिश, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर. क्योंकि आपने अपने इस, क्योंकि आपने 1200 नंबर के इस इम्तहान के लिए जो किताबें पढ़नी है वो इंग्लिश जबान में है. सो जब आपने पढ़नी ही अंग्रेजी की किताब है, जब आपने पढ़ना ही अंग्रेजी का अखबार है, तो क्यों ना हम तैयारी ही अंग्रेजी मजमून से करें. उससे फायदा ये होगा कि जब आपकी लैंग्वेज पे गिरफ्त होगी, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप हो गई होगी, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स बेहतर तौर पे समझ आएंगे. लेकिन ये कह देना कि इंग्लिश से तैयारी शुरू करें काफी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के भी तो दो पेपर हैं. सो वी हैव 200 मार्क्स फॉर इंग्लिश विच इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन एन इंग्लिश पेपर. सो उसमें हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इंग्लिश के पेपर में हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश पेपर्स इन दिस वीडियो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. आपके इंग्लिश में और किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपकी फोर बेसिक स्किल्स होती हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल. आपका जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम जो है, वो आपकी रीडिंग स्किल
और आपकी राइटिंग स्किल को चेक करता है। रीडिंग स्किल को कैसे चेक करता है और राइटिंग स्किल को कैसे चेक करता है, ये जब हमें समझ आ जाएगा तो हमारे लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर उठाएं तो वो एक ओपन बुक पेपर है। मैं इसे ओपन बुक क्यों कहती हूं, क्योंकि जिस पैराग्राफ की प्रेसी बनानी है वो पैराग्राफ पेपर के अंदर दिया हुआ है। आपको जिन सवालों के जवाब देने हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, वो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको जिस पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखना है वो भी उर्दू में दिया हुआ है। सो आपसे डिमांड नहीं किया जा रहा कि आप कुछ नॉलेज क्रैम करके लाएं, आपके पास प्रीवियस आइडियाज होने चाहिए। नहीं, आपकी वो टेक्निक, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन की, ट्रांसलेशन की, वो टेक्निक चेक हो रही है। और उस टेक्निक के साथ जो चीज चेक हो रही है वो है क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना आता तो आप प्रेसी का सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है तो मेरा रीडिंग वीलॉग विजिट करें, जिसमें हम हर सैटरडे को किसी किताब में से कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं। दीस डेज वी आर रीडिंग रसल। क्रिटिकल रीडिंग जो है वो आपको तब आएगी जब आप किताब पढ़ते हैं। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर के अंदर आपकी रीडिंग स्किल्स पे बहुत फोकस होता है और आपकी राइटिंग स्किल इन टर्म ऑफ द टेक्निक और द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब हम एस्से के पेपर की बात करते हैं तो एस्से के पेपर के अंदर आपकी क्रिएटिव राइटिंग चेक होती है। वन लास्ट थिंग अबाउट दीज टू स्किल्स, जब आप रीडिंग स्किल पे काम करेंगे तो आपकी क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसके साथ साथ डेवलप होगी। और अगर आप रीडिंग के साथ साथ राइटिंग करें डेली बेसिस के ऊपर, तो आपकी आपका जो एक्सप्रेशन है वो ओवरनाइट जो है वो डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्किल्स इकट्ठे डेवलप होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपकी स्पोकन और लिसनिंग जो है वो इकट्ठे डेवलप होती है, आपको ये दोनों स्किल्स भी चाहिए, लेकिन ये आपको इंटरव्यू में चाहिए। अगर आपके पास टाइम है आप स्पोकन पे काम करें, लेकिन अगर आप अभी स्पोकन को टाइम नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हम शुरू कहां से करें। जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप बिगिनर हैं या एडवांस लर्नर हैं। बिगिनर से मुराद मेरी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पैराग्राफ भी मुश्किल से लिखते हैं। जो लिखने बैठते हैं तो वो सोचते रहते हैं कि भाई क्या लिखना है, समझ नहीं आती कि कैसे लिखा जाए। वो बिगिनर्स हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी ग्रामर पे काम करें और ग्रामर पे काम करते हुए प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर के ऊपर फोकस करें। इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर खास तौर पे तवज्जो दें और उसको मैक्सिमम टाइम जो है वो किसी भी किताब में से पैराग्राफ को स्टडी करने के लिए, सेंटेंस को स्टडी करने के लिए वक्फ करें। वो बच्चा जो एडवांस लर्नर है वो ऐसा बच्चा है जिसका एक्सप्रेशन डेवलप हो चुका है। ये वो बच्चा है जो कि लिख सकता है। सो अगर इसको कहा जाए कि भाई बैठो और दो सफे लिखो तो ये दो सफे लिख देगा। वी कैन लुक एट द फैक्ट दैट द स्टूडेंट इज एबल टू यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी और उसके टेंसेस ठीक है नहीं है, पंक्चुएशन कैसी है, ये चीजें बीच में देखी जा सकती हैं, इंप्रूव की जा सकती हैं। लेकिन बिगिनर में और एडवांस लर्नर में फर्क ये है कि बिगिनर जो है वो स्ट्रगल करता है राइटिंग के साथ, और जो आपका एडवांस लर्नर है वो फ्लुएंट हो चुका है अपने रिटन एक्सप्रेशन के अंदर। जो बच्चा एडवांस लर्नर है वो एस्से की तैयारी शुरू कर सकता है। उस बच्चे को चाहिए कि वो फ्री राइटिंग करे। फ्री राइटिंग से मुराद ये है कि आपने सोचा कि भाई आज मैंने डेमोक्रेसी पे लिखना है, अब आपके जहन में जो कुछ आया आपने लिख दिया। आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार करें, कंपल्सरी का, ऑप्शनल का, आपने उसके बारे में जो कुछ पढ़ा आपने उसको लिख दिया। दिस इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। इन बच्चों को चाहिए कि ये फ्री राइटिंग करें, और फ्री राइटिंग के साथ या जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका एस्से राइटिंग का है, जो कि हम कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलवेज मेंशन इन माई क्लासेस एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट टिप विद यू, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर वर्किंग ऑन योर इंग्लिश पेपर्स, डोंट वर्क ऑन प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एंड एस्से पेपर साइमल्टेनियसली। क्योंकि आपके एस्से पेपर के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसे एक्सपैंड करो, जबकि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में पर्टिकुलरली जो आपका प्रेसी राइटिंग का सवाल है उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसे श्रिंक करो, इसको रिड्यूस करो, इसको मिनिमम में, मिनिमम वर्ड्स के अंदर इस आइडिए को रीराइट करो। ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो अगर आप प्रेसी और एस्से इकट्ठे लिखना शुरू कर देंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो डेवलप ही नहीं होगा।
बेहतर ये है कि आप एसे राइटिंग करें। जब आपकी एसे राइटिंग ठीक हो जाए, आप पूरा एसे लिख सकते हो, आपकी असेसमेंट ठीक जा रही हो, उसके बाद आप प्रेसी लिखें और प्रेसी जो है उसको रेगुलरली चेक कराएं। आई बिलीव आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड बी एबल टू गेज योरसेल्फ एज अ बिगिनर और एज एन एडवांस लर्नर एंड यू वुड बी इन अ पोजिशन to decide how you are going to start your preparation. The time that you are going to take in completely preparing for the exam depends on how quickly you learn something. If you still want to know something, feel free to leave a comment. I'll see you in another video.